नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। मुद्दे की बात में सबसे पहले बात होगी बीजेपी नेता उमा भारती की, जो आज 18 साल बाद बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में बिना बुलाए पहुंच गई और बैठक में सन्नाटा छा गया। सन्नाटे के बाद की कहानी मैं आपको बताऊंगा। आगे हम बात करेंगे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की, जिनका बयान काफी चर्चाओं में है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिदिन कर्ज डूब रहे राज्यों की, क्योंकि वो बड़े चिंता का विषय है और इस पर भी बात की जाएगी। तो तीन मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात हम करेंगे बागेश्वर धाम की। जी हां, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विवादों के साथ भी अपने बयानों को लेकर फिर चर्चाओं में रहते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का एक नया बयान सुर्खियों में आया है। अब उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तर्ज पर एक नारा दिया है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही है। बागेश्वर धाम के पंडित ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर बयान दिया है। बागेश्वर धाम ने कहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं आज नारा देता हूं कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। अब जरा इस बयान को पहले गौर से सुन लीजिए कि उन्होंने कहा क्या। ये हमारी मांग है। अगर हम सब साथ हो जाएं तो भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। उसमें कोई हमने हम कोई राजनेता नहीं है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम कोई सरकार नहीं है, हम कोई निर्णय करने वाली कोर्ट नहीं है, हम कोई एक ईश्वर नहीं है, गॉड नहीं है कि हम निर्णय करें कि भारत हिंदू राष्ट्र हो। हमने सिर्फ ये मांग की है कि हम सब साथ हो तो भारत हिंदू राष्ट्र हो। और ये मानवीय कहां से हो गया, ये अलॉजिकली कहां से हो गया, ये संविधान के खिलाफ कहां से हो गया। हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया है और साहस हम अपने संविधान पर चले। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को जहर वाला ग्रंथ बताया, ये बहुत बड़ी धूर्तता है। रामचरितमानस राम सेतु का काम करता है, एक एक पत्थर को जोड़ने का, प्रत्येक समाज को जोड़ने का, प्रत्येक विचारधारा को जोड़ने का। रामचरितमानस को जिस दिन राष्ट्रीय ग्रंथ बना दिया जाएगा, भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और हिंदू राष्ट्र के साथ भारत में एक संपन्नता भी छलकेगी और भारत में सौम्यता और सहजता भी छलकेगी और भारत विश्वगुरु होगा। क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस वक्त देश में माहौल कौन सा चल रहा है। असल में धीरेन्द्र शास्त्री घिर गए हैं। घिर इसलिए गए हैं कि वो अपने दरबार में जो काम करते हैं, पर्ची निकालते हैं, पर्ची निकालकर भविष्य बताते हैं, नाम बताते हैं, आपका पिछला आगा पाच पीछा सब बताते हैं, कुछ माइंड रीडर है, कई सारे माइंड रीडर हैं, वो भी निकलकर आ गए हैं। वो सब भी वही काम करते हैं जो धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं। बस धीरेन्द्र शास्त्री ये कहते हैं कि ये काम उससे बालाजी करा रहे हैं, यानी कि हनुमान जी करा रहे हैं। और माइंड रीडर जो कहते हैं कि ये एक ट्रिक है और एक ट्रिक के जरिए हम इन बातों को सामने रख रहे हैं, यानी कि वो धर्म की बात कर रहे हैं, ये खेल की बात कर रहे हैं, हाथ की सफाई की बात कर रहे हैं। और यही कारण है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री घिर गए। और जब वो घिर गए हैं तो सबसे बड़ा सवाल है कि उनके पास क्या है। वो बात हिंदू राष्ट्र की कर रहे हैं और वो जानते हैं कि इस देश में एक बड़ी आबादी हिंदुओं की है। इस देश में सरकार हिंदू पक्ष के साथ है और सरकार में बैठे सभी लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो, आरएसएस हो या सरकार में बैठे लोग हैं। तो उन्हें इसका एक कुशन मिल जाएगा, एक सहारा मिल जाएगा। इसलिए वो अपने भाषणों में बार बार पादरियों का जिक्र करते हैं,
मुस्लिम नेताओं का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि ये मेरी कितनी भी मुखालफत कर लें, लेकिन ये मुझे डिगा नहीं पाएंगे। और अब उन्होंने बात हिंदू राष्ट्र की कर दी है, एक बार फिर सुन लीजिए। सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव पर उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तुम हमारा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो ये बात हो गई धीरेन्द्र शास्त्री की। अब इसके साथ साथ इस बीच पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को धमकी भी मिल गई है और इसकी बाकायदा शिकायत कराई गई है थाने में, एफआईआर दर्ज कराई गई है। धमकी में यह कहा गया है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जान से मारने की धमकी दी गई है। एक बार पहले सुन लीजिए, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि मुझे अपने इष्ट पर पूरा भरोसा है। भारत में जब जब भी सनातन की बात आई है तो लोगों ने बोला है इससे डरना नहीं है और हमें अपने इष्ट बागेश्वर हनुमान जी पर भरोसा है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, हम हनुमान चालीसा के उपासक, अपने इष्ट हनुमान जी के उपासक हैं। हमें अपने इष्ट पर हनुमान चालीसा पूर्ण दृढ़ता से भरोसा है और भारत के नागरिक होने के नाते हमें मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार पर भी भरोसा है। तो ये तो चलता रहेगा, ये कोई नई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। हालांकि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है, उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने की बात की है। लेकिन हाल के दिनों में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जितनी सुर्खियां बटोरी हैं वो शायद ही किसी बाबा या संत ने बटोरी होंगी। अब धीरे धीरे ये सुर्खियां उनके लिए मुसीबत बनती जा रही है, लेकिन राहत की बात है कि प्रदेश के छोटे मोटे कांग्रेस नेता भले ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विरोध कर रहे हों, लेकिन कमलनाथ के एक बयान से बाबा बागेश्वर को राहत जरूर मिली है, वो सुन लीजिए। बात क्या है कि मैं तो पूर्व से ही उनके बारे में अपने विचार व्यक्त कर चुका हूं। मैं पाखंड और ढोंग नहीं पड़ता, सनातन धर्म आस्था का बिंदु है। इस देश में 80-90% सनातन धर्म को मानने वाले लोग, जब उनके ऊपर महाराष्ट्र में आरोप लगे तो बागेश्वर जी अपना बिस्तर बांध के रात में क्यों भागे। मैं उनसे चाहूँगा कि अगर आपके सच्चाई है तो आपको प्रामाणिकता के आधार पर भागने का जवाब दें। और वास्तव में जो आपने तांत्रिक ऐसी एक प्रथा के प्रचार कर रखा है उसको प्रमाणित करो। से मेरी कल ही बात हुई कि मेरा प्रोग्राम बना था जाने के लिए, पर जो डेट उनकी थी वो कहीं दौरे में निकल रहे हैं, तो मेरी तो कल ही उनसे बात हुई और होती रहती है। देखिए बात ये है, जो हमारे धार्मिक लोग हैं वो अपने धर्म की बात करें, ये इसमें कोई खराबी नहीं है। मैं भी चाहता हूँ वो धर्म की बात करें, मैं तो वहां जा रहा था, मेरा प्रोग्राम बना हुआ था, कल ही मैंने उनसे बात। तो कमलनाथ ने साफ तौर पर कर दिया है कि उनकी उनसे बातचीत हो रही है और अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म की बात करता है तो उसमें बुराई क्या है, मैं तो उनसे मिलने के लिए जा रहा था, लेकिन कभी उनकी व्यस्तता हो गई और कभी मेरी व्यस्तता हो गई। यानी कि कमलनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी लाइन क्या है और बीजेपी अगर किसी ट्रिक में उन्हें फंसाना चाहती है तो वो फंसने वाले नहीं है। यानी कि उन्होंने ये इशारों में बता दिया कि वो बागेश्वर यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ हैं और वो उन्हें पाखंडी नहीं कहते और उनके द्वारा किए जा रहे काम को पाखंड नहीं बताते।